अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। ये ज़िगाना पिस्टल है पाक मेड, ठीक है। 9 mm जो है इसका कैलिबर है और जो है ये पाक मेड 9 mm ज़िगाना पिस्टल है। और जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपके पास पिस्टल होगा तो ये लीवर होता है इसका, जो डबल एक्शन चलाता है और जो है फायरिंग के भी काम आता है ये लीवर जो है ना। तो ये लीवर इसका टूट गया है, इसके अंदर जो है हम नया जो है बनाकर डालेंगे। इसकी जो पिन होती है लीवर की, जो ट्रिगर के अंदर लगी हुई होती है और जो है ट्रिगर जो है मूव करता है, तो ये जो है हैमर को मूवमेंट देती है पिन जो है इसकी, है ना। पूरा लीवर जो है मूवमेंट देता है इस पिन की वजह से, ठीक है। ये इसकी टूट गई है, ये जो है इसके अंदर मैं बनाकर डालूंगा, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देखें वीडियो, बहुत काम की वीडियो है, ठीक है गाइस। ये पिन देख लें, टूट कर जो है ये फंस गई है इसके अंदर, ठीक है। ये पिन तो एकदम बेकार सी लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है। हम इसके अंदर जो है नई पिन बनाकर डालेंगे और जो है मज़ीद जो है आगे आगे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे आपके नॉलेज में इजाफा होता जाएगा। ये किस तरीके से बनेगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब जो है आपको इस वीडियो के अंदर पता लगने वाला है, ठीक है। ये देख लें, पिन जो है स्प्रिंग के ऊपर आई हुई, ठीक है। ये पिन जो है इधर सही लगी हुई है लेकिन ये उधर से टूट गई है लीवर के अंदर, जिसके साथ ये अटैच होती है पिन, ये उधर से टूट गई है। तो पहले तो मैं इसको निकालूंगा, पिन को निकाल कर जो है आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम इसके अंदर जो है एक नई पिन जो है इसके अंदर बनाकर लगाएंगे और इतनी मज़बूत होगी कि वो इंशाल्लाह जो है जब तक ये पिस्टल है जब तक वो पिन टूटेगी नहीं इसकी, ठीक है। तो देखते रहें वीडियो को आगे आगे। ये पेचकस से मैंने इसका स्प्रिंग उठाया, उसके बाद जो है ये मैंने इसकी पिन निकाल दी, क्योंकि स्प्रिंग उठाए बगैर पिन नहीं निकलती है, क्योंकि इसके अंदर जो है मार्क होता है जो स्प्रिंग जो है इसके अंदर जाकर फंस जाता है, ठीक है गाइस। तो ये मैंने पिन निकाल दी, देख लें ये पिन टूट चुकी है इसकी। नेक्स्ट ये इधर इस जगह पर लगी हुई होती है और जो है ये लीवर है इसका, ये लीवर के साथ इस तरीके से ज्वाइंट हुई भी होती है, ठीक है। ये टूट गई है, अब जो है हम इसको डालेंगे पिन को नया बनाकर। सबसे पहले तो जो है मैं इसके ऊपर जो है इसी पिन को वेल्डिंग नहीं करवाऊंगा, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इसके अंदर मैं ड्रिल करूंगा, ड्रिल करने के बाद जो है इसके अंदर जो है नई पिन जो है बनाकर लगाऊंगा, जो इसके अंदर पूरी मौजूद होगी इसके अंदर, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर जो है हम ड्रिल करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, सबसे पहले तो जो है इसके अंदर जो है निशान लगाऊंगा, ठीक है, ताकि जो है सेंटर जो है मैं इसके अंदर ड्रिल कर सकूं, इसके अंदर निशान लगा दिए, ठीक है। तो ये इसके अंदर मैंने निशान लगा दिया है, ठीक है। अब जो है इसके अंदर जो है ड्रिल करेंगे हम। ये देख लें, ये इसके अंदर मैंने सुराख कर दिया है पिन के मुताबिक, ठीक है। जितनी मोटी इसके अंदर पिन लगेगी उतना ही मोटा मैंने इसमें सुराख कर दिया है। और जो है मैं एक कार्बन स्टील की पिन लूँगा और पिन जो है इस तरफ से डालूँगा, ठीक है। इधर से पिन जाएगी इसके अंदर, ये देख लें किस तरीके से जो है मैंने इसमें डाल रहा हूँ पिन। थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए पिन, जब भी आप कोई ऐसी चीज़ बनाएं तो पिन जो है टाइट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो लूजिंग नहीं दे बिल्कुल भी। जब लूजिंग नहीं होगी तो जो है आप इसको वेल्ड करेंगे तो वेल्डिंग भी अच्छा हो जाएगा और जो है पिन टेढ़ी भी नहीं होगी, ठीक है गाइस। तो सुराख जो है इसके मुताबिक होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, ज़्यादा ओवर ना हो, ठीक है। और अगर हो सके तो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए ताकि ये पिन जो है मैं देख लें हथौड़ी से इसको किस तरीके से ठोक रहा हूँ, ठीक है। अब ये देख लें, मैंने इसके अंदर ये पिन लगा दी है। अब ये पिन जो है इसको करवाऊंगा मैं वेल्डिंग, ठीक है, वेल्ड करवाऊंगा इसको,
इसको पहले लेबल सीधा कर दूं ताकि ये अपनी राइट पोजीशन पे आ जाए पिन। इसका बैलेंस होता है, बैलेंस बनाना पड़ता है इसका पिन का ना, अगर हल्की सी भी टेढ़ी होगी या कुछ भी होगा आगे पीछे होगी तो ये जो है डबल एक्शन चलाने में जो है प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, ये देख लें, अभी ये मैंने पिन लगा दी है, अभी मैंने इसको वेल्डिंग भी नहीं करवाया है, इसको मैं चेक करता हूँ कि ये डबल एक्शन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है गाइस, तो ये मैं अपने हाथ की मदद से जो इसको मूवमेंट देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग तो लगा हुआ नहीं है, तो ये मैं चेक कर रहा हूँ, इसको रफली चेक कर रहा हूँ, जब इसको वेल्डिंग करवा लेंगे तो उसके बाद जो है हम इसके स्प्रिंग वगैरह लगाकर जो इसको प्रॉपरली जो है चेक करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल तो ये सही काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो अब जो है इसको निकालेंगे वापसी हम। ठीक है, ये देख लें किस तरीके से लगा हुआ है, ये स्प्रिंग इसको उठा कर रखता है, लेकिन मैं इसको उंगली से मैंने इसको उठाया है तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ, रफली चेक कर रहा हूँ ताकि जो है हमें कंफर्म हो जाए कि ये वाकई में सही काम कर रहा है और ये वेल्डिंग हम पक्का करवा दें तो ये सही चलेगा। ठीक है गाइस, देख लें पिन एकदम सीधी है, सब कुछ सही है, अब जो है इसको वेल्डिंग करवाएंगे। हल्की सी आउट थी ये पिन जो है, मैंने इसको जो है बैलेंस कर दिए, तो अब जो इसको मैं वेल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, वेल्ड के बाद जो है इसकी जो है फिनिशिंग करूँगा, फिनिशिंग करने के बाद जो है इसको वापसी फिट करेंगे और जो है चेक करेंगे कि ये हमने काम करा है, सही करा है या नहीं करा है। ठीक है गाइस, तो वेल्ड हो गया, अब जो है इसकी फाइल होगी, फिनिशिंग होगी इसकी। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसको वापसी फिट कर देंगे। आपके जो है ये आपके लिए वीडियो बनाई है, बहुत बेहतरीन वीडियो है। ठीक है, आपके बहुत काम आने वाली वीडियो है। ठीक है गाइस, तो भाई को जो है दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, और भी मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है, आप देखेंगे तो आपके काफ़ी नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है, तो ये इसकी जो है फिनिशिंग हो रही है, फिनिशिंग में कर रहा हूँ इसकी। इसकी फिनिशिंग कर जो है इसको फिट करेंगे वापसी, फिर देखेंगे कि ये कैसा काम कर रहा है। ठीक है गाइस, ये पॉलिश रहती है, अभी ये पॉलिश रहती से जो है इसकी फिनिशिंग होती है ताकि इसमें चमक आ जाए और खुरखुरापन जो है ख़त्म हो जाए। पॉलिश रहती इसलिए यूज़ की जाती है, किसी भी पार्ट्स के ऊपर यूज़ करते हैं तो इसीलिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देख लें, अब जो है इसकी पिन जो है हमने बना दी है, पिन बना दी है, अब जो है हम इसको फिट कर रहे हैं पिन को वापसी, जिस तरीके से हमने बनाई थी उसी तरीके से जो है खोली थी, जिस तरीके से उसी तरीके से जो है हम इसको फिट कर रहे हैं। ठीक है, ये देख लें, ये स्प्रिंग होता है, इस तरीके का स्प्रिंग होता है, जो अंदर वाला जो ट्रैगर का स्प्रिंग है वो इसको उठाने के अंदर बहुत काम आता है। ठीक है, अगर कभी भी आप इसको खोल लें तो इसी तरीके से ये स्प्रिंग बैठता है इसका, ये याद रखिएगा। ओके ओके गाइस, तो एक स्प्रिंग मैंने लगा दी है जो ट्रिगर के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्प्रिंग जो होता है जो इस लीवर को ऊपर उठाकर रखता है वो मैंने अभी तक नहीं लगाया, वो ये स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग भी आप देख लें किस तरीके से लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्प्रिंग होता है, ये है तो बहुत छोटा सा लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, क्योंकि ये लीवर को ऊपर उठा कर रखता है और जो है हैमर लीवर के साथ ये अटैच होता है। ठीक है गाइस,
ये जो है अब एकदम परफेक्ट हो गई है। ये इसका पार्ट्स होता है जो इसको ऑटोमेटिक चलाने में मदद देता है। तो जो है इसको जब तक आप पुश नहीं करेंगे तो ये हैमर काम नहीं करेगा इसका, ठीक है। ये जो पार्ट्स है जो मैं इसमें लगा रहा हूँ, ये इसको पिस्टल को खोलने में मदद देता है और पिस्टल को जो है ये लॉक भी करता है। ये लॉक नहीं होगा तो पिस्टल जो है रुकेगा नहीं कभी भी। आप अंदर डालेंगे उसको जो है वो वापसी जो है लॉक नहीं होगा, निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो अभी जो है मैंने इसके पैच वगैरह भी लगा दिए दस्ते के, और जो है लीवर भी इसका मैंने बना दिया है, ठीक है गाइस। तो वीडियो आपको पसंद आए तो भाई को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है गाइस। ये जो है अक्सर जो है पिस्टलों के अंदर ये पॉकमेट पिस्टल जो होते हैं उनके साथ ये अक्सर अमूमन जो बाहर के इंपोर्टेड होते हैं उनके साथ भी मसला आ जाता है। पॉकमेट पिस्टलों होते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, ये इसकी पिन टूट जाती है। तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि यार पूरा लीवर ही चेंज कर दो, लेकिन पूरा लीवर की जगह अगर वो इस तरीके की पिन बनाकर डाल देंगे इसके अंदर वेल्डिंग के ज़रिए, तो जो है तो भी जो है पिस्टल आपका जो है अच्छा चलेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, कोई मसला नहीं करेगा। ये जेगाना पिस्टल है, कम से कम जो है ये डब्बा पैक जो है तकरीबन अपार्टमेंट के अंदर आपको 45,000 से 40,000 तक का मिल जाता है, ठीक है। लेकिन लाइसेंस पे, ठीक है, लाइसेंस बहुत आसानी से आजकल बन जाते हैं, तो आप जो है लाइसेंस बनवाए पिस्टल परचेज़ करें, ठीक है, सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी, ठीक है गाइस। ये मैंने पिस्टल बना दिए, देख लें किस तरीके से काम कर रहा है। पहले ये काम नहीं कर रहा था, अब ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। ये देख लें किस तरीके से डबल एक्शन काम कर रहा है। पहले ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, अब ये अच्छा काम कर रहा है। तो अब जो है इसके अंदर जो है एक ब्लूट जो है चैम्बर लोड अनलोड कर देखते हैं कि ये लोड अनलोड सही कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। कोई भी मसला होगा तो पता लग जाएगा इसके अलावा। ये जो है अभी मैंने एक गोली चैम्बर करी है, ठीक है। अभी मैं दूसरी बार भी इसको चैम्बर करता हूँ, दोबारा इसको चेक करता हूँ, क्योंकि पीछे जो है लॉक नहीं हुआ पिस्टल, क्योंकि खाली होने के बाद जो पिस्टल लॉक हो जाता है और ये पिस्टल लॉक नहीं हुआ है, ठीक है। ये देख रहे हैं आगे जा रहा है, मैगजीन खाली हो गई है, पिस्टल आगे जा रहा है, इसको आगे नहीं जाना चाहिए, पीछे रुक जाना चाहिए। ये इसका दूसरा फोल्ड है, अगर ऐसा हो जाए तो इस तरीके से जो है लॉक के बैक साइड से जो है आप हथौड़ी की चोट मारें, ठीक है, इसके ऊपर जो है एक निशान आ जाएगा, हल्का सा निशान आ जाएगा बारीक सा, ये देख लें, ये हल्का सा निशान आपको नज़र आ रहा होगा। इधर मैं फाइल करूँगा हल्की सी, फाइल करने के बाद जो है वो जब तक निशान गायब नहीं होगा, जब तक वो लॉक जो है उसका पूरा बैठेगा नहीं और मैगजीन सही पकड़ेगा नहीं पिस्टल, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है फॉल्ट था दूसरा, ये कर दिया है मैंने। अब जो है गोली दोबारा इसके अंदर मैं चेक करता हूँ, अब सही पकड़ रहा है ये गोली, ये गोली चैम्बर करी, ये पिस्टल जब खाली हो गया तो ये लॉक हो गया, ठीक है गाइस। तो हमारा काम कंप्लीट हो गया है, एक फोल्ड वो था लीवर का, दूसरा फोल्ड मैगजीन का था, वो भी सही कर दिया है। ओके गाइस, तो दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। और जो वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में जो है माशाल्लाह लाजमी लिख कर भेजिएगा, और जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।